अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुआ हिमस्खलन, भारतीय सेना के 7 जवान शहीद। रविवार 6 फरवरी को हुआ था हादसा। इन्हीं 7 जवानों में शामिल खौड़ के डोरी डगेर निवासी हवलदार जुगल किशोर भी शामिल थे। इन्होंने भी देश रक्षार्थ अपना बलिदान दिया है। तन समर्पित, मन समर्पित, ये जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, ये बात हमारे वीर बहादुरों ने सिद्ध कर दी है। धन्य हो आप, धन्य हो आपका परिवार, धन्य है ये आपका समर्पण। शहादत की सूचना मिलते ही प्रदेश भर में शोक की लहर छा गई है। सेना ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उपरोक्त इलाकों में मौसम बहुत खराब है, वहीं भारी हिमपात से हो रहा है। कामेंग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का पश्चिमी इलाका है। भारतीय सेना को में पूर्व कमान इस क्षेत्र में 1,346 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर सुरक्षा व्यवस्था में निगरानी करती है। इसी दौरान हिमस्खलन से भारतीय सेना के 7 जवान शहीद हो गए हैं। इन्हीं में शामिल भारतीय सेना के जवान जुगल किशोर ने भी शहादत दी है। पार्थिव शरीर को लेकर भारतीय सेना की ओर से आधिकारिक अभी कोई सूचना नहीं मिली है। शहादत की सूचना परिजनों को मिलते ही घर में मातम पसर गया। वहीं प्रशासन भी अंतिम विदाई की तैयारियों में जुट गया। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में पिछले कुछ दिनों से भारी हिमपात हो रहा था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।